नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताने वाला हूँ। यदि आपको थकान हो रही हो आपके घर में किसी को, या बहुत ज़्यादा सर दर्द की प्रॉब्लम आ रही हो, या सांस लेने में ओल्ड एज पर्सन्स को सांस लेने में दिक्कत होती हो, या फेफड़ों की कोई बीमारी होती है जिसको अपन COPD बोलते हैं, या बार बार श्वसन तंत्र में आपके इन्फेक्शन हो रहा हो, या फेफड़ों का कैंसर हो रहा हो, या छोटे बच्चों को या स्किन रैशेज हो जाते हैं, नाक कान गले इनमें सब में जलन होती हो, तो दोस्तों आपको घर में क्या हो सकता है, आपके घर में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम हो सकती है। ये पॉल्यूशन क्या होता है, किस तरह से होता है, मैं बात करता हूँ। इसी पोल्यूशन की मैं बात करने वाला हूं। तो यह पोल्यूशन किस किस वजह से हो सकता है? ये पोल्यूशन अमोनिया की वजह से हो रहा है, जाइलीन होता है, ट्राइक्लोरोइथाइलीन होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है, बेंजीन होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड होता है, फॉर्मेल्डिहाइड होता है, या सस्पेंडेड पार्टिकल्स होता है। ये सारे के सारे कुछ केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से पोल्यूशन आपके घर में हो रहा है। ये सारे के सारे केमिकल्स कहाँ से आते हैं, मैं आपको वो चीज़ बता रहा हूँ। जो घर में आप क्लीनर यूज कर रहे हैं टॉयलेट वगैरह साफ करने के लिए, गैस और स्टोव जलाते हैं उसकी वजह से जो गैस रिलीज हो रही है, सीलन की वजह से जो गंदी स्मेल आती है, सिगरेट की धुआं से जो स्मेल आती है, धूल और परागकण ये आप एनवायरनमेंट से आपको जरूर मिलेंगे, फर्नीचर में जो अलग तरह की स्मेल आती है, मैं उस स्मेल की बात कर रहा हूँ, सीमेंट या टाइल्स की, यदि घर में अभी थोड़े दिनों में आपके घर में ऐसा काम हुआ है तो उसकी जो स्मेल की वजह से वो उसकी रीजन हो सकता। खाना बनाते टाइम जिस तरह की जो गैस निकलती है उस गैस, वो भी गैस हानिकारक होती है। पेंटिंग करने से जो दीवार पे पेंट करते हैं उसमें जो गैस रिलीज होती है उसकी वजह से हो सकती है। आपने घर में पेस्ट कंट्रोल करवाया है उसकी वजह से हो सकता है। दोस्तों, ये सारी चीज़ें हमारे घर की सारी बिल्कुल कॉमन चीज़ है। अब मैं बात करूंगा हम इनका इलाज कैसे करें, या हमारे घर में इनसे हमें कम से कम इफेक्ट आए, या हम इनसे कैसे बचें, तो मैं आपको उन चीज़ बात करूंगा। मतलब इन सभी दिक्कतों से हम कैसे बचें, क्योंकि ये सारी चीज़ तो घर में होना तय है, तो ये बात करने वाला हूँ मैं आपको। तो दोस्तों, इसका सॉल्यूशन 1989 में ही 15 सितंबर को आ चुका था। क्या था, एक नासा नाम की एक एजेंसी होती है अमेरिका की, जिसने क्या दिया था, एक बहुत अच्छा दिया था, घर के अंदर के प्रदूषण को खत्म करने के लिए पौधों की लिस्ट दी थी। इन पौधों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। मतलब जो घर के अंदर जो पॉल्यूशन हो रहा है, उस घर के अंदर के पॉल्यूशन को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, मैं उन पौधों की लिस्ट बताने वाला हूँ। साथ में उनको हम क्या एज ए मेडिसिनल पर्पज यूज कर सकते हैं, क्या हमारे वो ऐसे दवाई के तौर पे भी काम आ सकते हैं, कि और वो कौन-कौन से ऐसे पौधे हैं जो हम घर के अंदर लगा सकते हैं। तो मैं बात करूंगा सबसे पहले पौधे की, जिसमें बात करेंगे पीस लिली। पीस लिली एक बहुत सुंदर पौधा होता है जिसमें व्हाइट कलर के फ्लावर्स आते हैं। इस ये क्या करता है, हमारी हवा को शुद्ध करता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, अमोनिया, जाइलीन, बेंजीन, टोल्यूइन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राइक्लोरोइथाइलीन, इन सभी को क्या करता है, ये अपनी तरफ खींच लेता है, अवशोषित कर लेता है। और ये बहुत कम रखरखाव का प्लांट होता है, फफूंदी को रोकता है क्योंकि मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, एसीटोन की वाष्प को ये अवशोषित करता है, हवा से जो मोल्ड या जो परागकण के जो बीजाणु होते हैं उनको ये हटाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे घर का बहुत अच्छा साज सजावट हो जाती है। साथ में यदि हम इस तरह के एनवायरमेंट में जो यहाँ पे पॉल्यूशन को हटा दिया है और उस कंडीशन में यदि हम सोते हैं तो हमारे बहुत अच्छी नींद आती है। दूसरे में बात करूंगा दोस्तों गुलदाउदी, जिसको पोट मम भी बोलते हैं। इसके अलग अलग कलर वाले पौधे आते हैं, अलग अलग फ्लावर्स आते हैं, जिस पे जो हवा को शुद्ध करने के काम में लिया जाता है। इसको आप घर में भी कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, आप कोने में या टेबल टॉप पे भी इसको यूज कर सकते हैं। यह ये उसको बहुत कम पानी की जरूरत होती है, वीक में आप एक बार पानी दोगे ये चलेगा। ये हवा को शुद्ध करता है, जिसमें फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, अमोनिया, जाइलीन, टॉल्यूइन
ब्यूटिलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, ट्राइक्लोरोइथाइलीन, इन सभी को हवा से ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस तरह से ये दूसरे नंबर का प्लांट है दोस्तों, इसी की मैं बात करूंगा। इसका मेडिसिनल यूज भी है, ये डायबिटीज में काम आता है, ये फीवर में काम आता है, हार्ट अटैक से हमें बचाता है दोस्तों, सिर दर्द में भी इसका यूज होता है, और साथ में बात करूंगा चक्कर नहीं आते हैं। तो इसकी पत्तियां और फूल बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो इन बीमारियों में काम आता है। तो ये आप इसको घर में आप कहीं पर भी लगा सकते हैं, पोट में लगा सकते हैं, हैंगिंग टॉप में भी लगा सकते हैं। फिर आता है थर्ड प्लांट जिसको अपन इंग्लिश आईवी भी बोलते हैं। ये इंग्लिश आईवी के फ्लावर्स नहीं होती, इसकी पत्तियां बहुत ग्रीन होती है, जो हम इसको बहुत छोटे पौधे तरीके से लगाते हैं, और इसकी डंठल से भी दूसरा पौधा उगाया जा सकता है, और ये हवा को शुद्ध करता है। वही बात कहूँगा जो फॉर्मेल्डिहाइड, बेंजीन, जाइलीन, टॉल्यूइन, कार्बन डाइऑक्साइड और ट्राइक्लोरो थाइलिन, इन सभी को हवा से दूर करता है। मतलब हमारे ये लिए ये केमिकल्स बहुत हानिकारक होते हैं, इन केमिकल्स को हवा से हटाता है ताकि हम अच्छी हवा ले सके, ये ऑक्सीजन देता है। मेडिसिनल यूज में ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत अच्छा रखता है, पाचन तंत्र के साथ में ये जिसे जैसे मस्से हो जाते हैं उन मस्सों के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इसका लेप लगाया जाता है, गाउट की कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, जो जॉइंट्स में प्रॉब्लम्स हो जाती है में इसको यूज किया जाता है। ब्रोंकाइटिस का मतलब फेफड़ों से रिलेटेड इसको यूज किया जाता है। ये सारी इसकी मेडिसिनल यूज है जिसको अपन बोलते हैं इंग्लिश आईवी। दोस्तों अब मैं बात करूंगा स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट दो तरीके का होता है, छोटा स्नेक प्लांट होता है और बड़ा स्नेक प्लांट होता है। छोटा आप कहीं पर भी पॉट के तौर पे रख सकते हैं। बड़ा वाले स्नेक प्लांट को मदर इन लॉ टोंग बोलते हैं, और ये बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत कम पानी की जरूरत होती है। आप वीक में एक बार पानी देंगे काम चलेगा, और इसको आप कहीं पर भी कोने में रख सकते हैं, और कोने पे भी इसको ज्यादा उसकी जरूरत नहीं होती, प्रकाश की या लाइट की जरूरत नहीं होती, इसको बड़े आराम से आप इसको यूज कर सकते हैं। वही हवा को शुद्ध करता है। फॉर्मेल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, जाइलीन, टॉल्यून और ट्राइक्लोरोइथाइलीन, इन सभी को ये क्या करता है, एनवायरनमेंट से हटाता है, हमारे हवा शुद्ध करता है, ऑक्सीजन रिलीज करता है, जिससे हम बहुत अच्छे से सांस ले सकते हैं। तो दोस्तों मेरा रिकमेंडेशन आपको जरूर रहेगा कि ये आप पौधा जरूर लगाएं। तो यहाँ पे इसका यदि मैं मेडिसिनल पर्पज की बात करूँ तो ये कान के दर्द में काम आता है, फीवर में काम आता है, और फीवर के साथ में सर दर्द यदि किसी को होता है तो इसकी पत्तियां जनरली यूज होती है। वो पत्तियां कैसे यूज होती है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट आता है दोस्तों ड्रैगन प्लांट। ड्रैगन प्लांट भी एक बहुत अच्छा प्लांट होता है जिसकी पत्तियां बहुत तीखी पत्तियां होती है। ये इसके कुछ पत्तियां जैसे रेड कलर की भी होती है, कुछ ग्रीन कलर की भी होती है। कहने का मतलब इसकी अलग अलग वैरायटी होती है, और इसको आप खिड़की के पास में रखेंगे तो बहुत अच्छा इसका लुक आएगा। कोने पे रख सकते हो, लिविंग रूम में या डाइनिंग रूम में भी रख सकते हो इसको। ये हवा को शुद्ध करता है, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे बेंजीन है, फॉर्मेल्डिहाइड है, ट्राइक्लोरोइथाइलीन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सभी को क्या करता है, ये एब्जॉर्ब करता है, हवा से हटा देता है, और हमें ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, जो हमारे लिए बहुत अच्छा होता है। इसी के साथ मैं बात करूंगा इसका यूज की बात, तो ये हमारे पाचन तंत्र को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, और ये कैंसर विरोधी भी इसमें तत्व होते हैं, जो इसको जो पत्तियां होती है वो इसको यूज किया जाता है। उसी के बाद में बात करूंगा दोस्तों ड्रेसेना के बारे में। ड्रेसेना की बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज होती है, छोटा पौधा भी होता है, बड़ा पौधा भी होता है, और लंबा पौधा भी होता है। तो इसको आप देखना यहाँ पे जिस तरह की सिचुएशन होती है, कहने का मतलब आप कौन सा पौधा ले रहे हैं उस पौधे के हिसाब से आप क्या करें कि उसी के हिसाब से आप लोकेशन डिसाइड करें। ये इसको आप क्या करेंगे, जहाँ थोड़ी सी धूप आ रही है खिड़की के पास में रखेंगे तो बहुत अच्छा लुक आएगा, और ये पौधा बहुत अच्छा बिल्कुल ग्रीन होता है, आपको देखते ही पसंद आएगा। जिसको अपन फ्रेग्रेंस भी इसकी वेराइटी होती है, जेनेट ग्रे को इसकी वेराइटी होती है, कॉर्न स्टॉक इसकी एक वैरायटी होती है। ये हवा को शुद्ध करता है, कौन कौन से केमिकल्स को बाहर निकालते हैं, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोइथाइलीन, कार्बन डाइऑक्साइड करता है, इनको क्या करता है एब्जॉर्ब कर लेता है। दोस्तों इसमें एंटीऑक्सीडेंट नेचर होता है, मतलब ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये हो गया हमारा ड्रेसेना जिसकी अलग अलग वैरायटी होता है। अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा इसका वैरायटी चूज करते हैं।
बात करूंगा बेम्बो पाम की। बेम्बो पाम बहुत सुंदर प्लांट होता है, ये कोने में किसी लिविंग रूम या डाइनिंग रूम में आप रख सकते हैं, बहुत अच्छा होता है। इसका एक दूसरी वेरायटी होती है जिसको एरिका पाम बोलते हैं। दोस्तों इसका प्लांट का आपने सुना होगा, ये टेबल पे भी रख सकते हैं, हवा को शुद्ध करता है। ये बेंजीन, फॉर्मल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोथाइलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी को ये एब्जॉर्ब करता है। इसको गुड लक प्लांट भी बोलते हैं, जिससे क्या होता है सेहत के लिए शुभ माना जाता है, संपन्नता को बढ़ाता है, नकारात्मक दूर करता है, खुशहाली लाता है, और ये प्यार का प्रतीक भी कहा जाता है। दोस्तों तो कहने का मतलब ये प्लांट आपको मेरा एक फेवरेट प्लांट है, ये बेम्बो प्लांट, बेम्बो एरिका, बेम्बो पाम, जिसको मैंने घर पे भी लगा रखा है, और इसको आप लगाएंगे तो आपके घर में बहुत समृद्धि रहेगी। फिर मैं बात कहूंगा दोस्तों मनी प्लांट, इसके बारे में शायद आप सभी लोग जानते हैं। मनी प्लांट को आप हैंगिंग तौर पर भी लगा सकते हैं और वैसे भी लगा सकते हैं। इसका दूसरा नाम भी होता है गोल्डन पॉथोज और हंटर रोब या सिल्वर वाइन के नाम से भी इसको जाना जाता है। हवा को शुद्ध करता है, जिसमें फॉर्मल्डिहाइड, कार्बन डाइऑक्साइड, बेंजीन, ट्राइक्लोरो इथाइलिन, इन सभी को ये एब्जॉर्ब करता है। ये घर में समृद्धि लाता है, खुशहाली भर देता है, नकारात्मक दूर करता है और मानसिक शांति पैदा करता है। तो जिससे कहने का मतलब मनी प्लांट में ये धारणा भी बनी हुई है कि मनी प्लांट से लगाने से क्या होता है, मनी घर में आता है, मतलब धन घर में आता है। तो दोस्तों एक सिंपल सा साइंटिफिक लॉजिक बताऊं, यदि आपके घर का एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो बट ओबी से सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा। इसका दोस्तों बहुत मेडिसिनल यूज भी होता है, ये एंटीऑक्सीडेंट मतलब इम्यूनिटी के तौर पे इसको यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया, माइक्रोब्स सबको किल करता है, इसकी एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी होती है, कैंसर विरोधी होता है, मलेरिया में इसका यूज होता है, टीबी में इसका यूज होता है दोस्तों, और एंटी टर्माइट, कहने का मतलब जिस जगह पे लगा होगा वहां पे कीड़े मकोड़े नहीं आएंगे, ये इसका यूज है। तो कहने का मतलब आपको बाजार से एंटी टर्माइट लाने की जरूरत नहीं है, आप मनी प्लांट लगाएं घर में, मनी प्लांट से आपका एनवायरमेंट भी अच्छा होगा और टर्माइट्स को दूर भगाएगा। ये हो गया हमारा 8th प्लांट। फिर आता है दोस्तों फ्लेमिंगो लिली। फ्लेमिंगो लिली की बात करूंगा तो बहुत सुंदर प्लांट आपको दिख रहा होगा, जिसमें आपको बिल्कुल रेड कलर के फ्लावर्स आते हैं और विद ग्रीन होता है, तो ये सोने पे सुहागा होता है। बहुत सुंदर प्लांट है, आप इसको लिविंग रूम या डाइनिंग रूम, इवन तो मैं आपको कहूंगा आप किचन में भी इसको यूज कर सकते हैं, किसी कोने में आपके लिए एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। और ये इसमें ये कौन कौन सी गैसेज को रिमूव करता है हमारे हवा से, फॉर्मल्डिहाइड हो गया, अमोनिया आ गया, जाइलिन हो गया, टॉलिन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इन सभी को ये क्या करता है हवा से निकालता है। और हमें दोस्तों ये कौन कौन से इसका मेडिसिनल यूज है, ये जनरली पेन में काम आता है, दर्द में काम आता है, चाहे मसल पेन हो, चाहे जॉइंट्स के पेन हो, चाहे आर्थराइटिस का पेन हो, तो उन जनरली मतलब इन्फ्लामेटरी, एंटी इन्फ्लामेटरी इसकी एक्टिविटी होती है। तो ये हो गया दोस्तों फ्लेमिंगो लिली की बात। बात करूंगा बार्बटन डेजी, जिसको जेरबेरा डेजी भी बोला जाता है। दोस्तों ये भी बहुत सुंदर प्लांट है और छोटा सा प्लांट है, जिसपे ग्रीन पत्तियों के साथ, बिल्कुल लस ग्रीन पत्तियों के साथ में रेड कलर का फ्लावर होता है। तो ये बहुत सुंदर प्लांट है, जिसको आप लगा सकते हैं डाइनिंग रूम में या जहां पर आपकी इच्छा हो, और इसको थोड़ा पानी जरूरत होती है, बहुत कम रख रखाव की जरूरत होती है, हवा को ये शुद्ध करता है, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, ट्राइक्लोरोथाइलीन, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सभी गैसेज को रिमूव करता है। पेट दर्द में जनरली इसके फ्लावर्स और पत्तियां यूज होती है, और यदि कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होता है, मतलब हार्ट की सुरक्षा करता है। ये इसका मेडिसिनल पर्पज है, मेडिकल बैकग्राउंड है। दोस्तों लास्ट में मेरा आपसे यही निवेदन है कि एक पौधा जरूर लगाएं और पर्यावरण सुरक्षा की जिम्मेदारी को निभाएंगे तो हम सभी सुरक्षित रहेंगे। हमें कोरोना काल में आपको पता लग गया होगा कि ऑक्सीजन की क्या इम्पोर्टेंस है। इसी के साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यदि आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को इनेबल करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि मेरा काम अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड सर्किल को जितना हो सकता शेयर करें। फिर से मैं एक नया वीडियो लेके आऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।